HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईशा देओल ने हिंदुजा अस्पताल में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। वैसे माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। अब ईशा और उनके पति भरत तख्तानी ने अपनी बेटी का नाम भी रख दिया है। बेटी को वे राध्या नाम से पुकारेंगे। बच्चे की नानी हेमा मालिनी सबसे ज्यादा प्लानिंग कर रही थी। गौरतलब है कि मीडिया से बात करते हुए हाल ही में हेमा मालिनी ने कहा भी था कि अगर ईशा को लड़की हुई तो मैं उसे भरतनाट्यम नृत्य सिखाऊंगी और अगर लड़का हुआ तो उसे जॉर्जियन डांस सीखना होगा। यह दूसरा मौका है जब हेमा नानी बनी है। 2 साल पहले बेटी आहना ने भी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था। बहरहाल ईशा की बात करें तो ईशा की शादी साल 2012 में भरत तख्तानी से हुई थी। यह ईशा का पहला बेबी है। हाल ही में उनकी गोद भराई की रस्म भी हुई थी। मजेदार बात यह है कि ईशा की गोद भराई एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई। बता दें कि ईशा अपनी माँ हेमा मालिनी के साथ ही रह रही थी और इस दौरान हेमा उनका पूरा ध्यान भी रख रही थी।